फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट रेंजर से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी पर है। डिवाइन मास्कुलिन की क्या सिचुएशन है, किस कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, उनके साथ साथ आपकी भी क्या स्थिति है, ये सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुछ डिवाइन मास्कुलिन अभी की सिचुएशन में इस बात पर उनका विचार विनिमय चल रहा है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, और वो भलीभांति ये बात जानते हैं कि जिस पर्सन की वजह से उनका जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो रहा है या हो गया है, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि आज तक उनके जीवन में सारी घटनाएं नॉर्मल हो रही थी। बट जैसे ही इस पर्सन की एंट्री उनके जीवन में हुई है, उनकी एनर्जी अंदर से उथल पुथल सी हो गई है, और कहाँ जाए, क्या करें और किस तरह से इस सिचुएशन को बैलेंस करें, ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने डरकर उस एनर्जी से या उस पर्सन को ही ब्लॉक कर दिया है, या फिर उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया है, या तो वो वहाँ से इस तरह से भागकर आ गए हैं जैसे मानो उनके पीछे कोई शेर पड़ गया हो, और उस शेर का सामना करने की शक्ति उनके अंदर नहीं है, और खुद को बचाने के हेतु उन्होंने भागना पसंद कर दिया है। ये एनर्जी उन सोल्स की है, चाहे वो मस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, जो अपने ट्विन से भाग रहे हैं, जो खुद से भाग रहे हैं और जो नो कांटेक्ट की कंडीशन से गुजर रहे हैं, और अब अपने आप को बचाने के हेतु वो उस एनर्जी को स्पेस देना चाहते हैं। और अगर आप में से कुछ सोल्स की ऐसी एनर्जी है, तो आपसे विनती है कि आप अपने सामने वाले पार्टनर को स्पेस दीजिए, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी का सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप दोनों में से जो भी अवेकन है, उनको ही ऐसे कंडीशन को बहुत ही सिंसियरली हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए उनको चेस करना बंद कर दीजिए और उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, ताकि वो भी खुद को टाइम देकर चीज़ों को समझ सके। और कुछ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी इस तरह से है कि वो अपने आप को इस 3D वर्ल्ड में शेर समझते थे, और वो किसी भी ऐसे पर्सन से नॉर्मली बात कर पाते थे कि जैसे कि वो उनका कोई नज़दीकी हो, और वो उनसे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। ऐसा ईगो अपने आप में रखने वाले डिवाइन मस्कुलिन जब उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके सामने आती है, या फिर वो अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचते हैं, तो उनका सारा ईगो नीचे गिर जाता है, और वो इतने ज़्यादा प्योर और इतने सेंसिटिव बन जाते हैं कि अकेलेपन में डिवाइन फेमिनिन को याद करके रोने लग जाते हैं, और उन्हें जब बहुत हद से ज़्यादा उनकी याद आती है, तो वो अपने फेमिनिन को मैसेज कर देते हैं या कॉल कर देते हैं, और उसके बाद इस तरह से गायब हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने मैसेज या कॉल करके मानो बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी सिचुएशन को ऑन ऑफ की सिचुएशन कह सकते हैं, और ये सिचुएशन भी तभी आती है जब वो खुद भी इनबैलेंस होते हैं और उनके काउंटर पार्ट यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन भी इनबैलेंस की स्टेज में होती है, यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन भी इनबैलेंस की स्टेज में आती जाती रहती है, यानी वो कभी खुद को बैलेंस रखती है तो कभी इनबैलेंस रखती है, जिसकी वजह से उनके पार्टनर भी ऑन ऑफ की सिचुएशन में कभी आना तो कभी जाना, इस तरह की कंडीशन से वो गुजरते रहते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन इनबैलेंस की कंडीशन में होती है, तो उनके डिवाइन मस्कुलिन भी उनसे दूरी बनाते हैं, और जैसे ही वो बैलेंस की स्टेज में आती है, तो वो फिर से लौट कर उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर से वो गायब हो सकते हैं। तो अगर इस सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो, तो ये भी आपकी इनबैलेंस की स्टेज है, इसमें आपको खुद को बैलेंस करना होगा, इसमें खुद को आपको डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करना होगा, और अपने आप को सेंटर की यानी कि बैलेंस की स्टेज में ही लाना होगा, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। कुछ डिवाइन मस्कुलिन अपने आप में साइलेंस के मोड में है, जिन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन को बिना किसी झगड़े के, बिना किसी हर्टिंग एनर्जी के, या बिना किसी मन मुटाव से उनसे अलग हुए हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन के बारे में साइलेंस मोड में आकर ये सोच रहे हैं कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा और कितना केयरिंग सा रिश्ता उन्हें मिला था, सबसे प्यारा ये कनेक्शन था, और उन्होंने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को खो दिया है। रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसा प्यारा कनेक्शन उनका किसी के साथ भी जुड़ा नहीं था, और ना ही ऐसा कनेक्शन उन्हें इस जीवन में दोबारा मिल पाएगा, और वो उन पलों को याद कर रहे हैं जो पल उन्होंने अपने फेमिनिन के साथ बिताए हुए थे, और बहुत ही शांति की स्थिति में वो अपने आप को डिवाइन फेमिनिन के साथ देख रहे हैं।
जैसे ये सदियों से बना हुआ बंधन है और ये मेरे तोड़ने से कभी नहीं टूटेगा, इस बात का रियलाइजेशन भी उन्हें हो गया है। लेकिन फिर भी वो अपने ही मौन की स्थिति में है और वो भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इसी स्थिति में सुकून मिल रहा है। और उनके जो काउंटर पार्ट है, यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो भी बहुत ही हद तक बैलेंस हो चुकी है और अभी उसकी कोई भी शिकायतें, कोई भी ब्लेम, कोई भी एक्सपेक्टेशन अपने काउंटर पार्ट के प्रति नहीं है। वो बिल्कुल सरेंडर और एक्सेप्टेंस की स्थिति में आई हुई है। कुछ मस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग की एनर्जी में है, जिन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन को झगड़े किए, उनको हर्ट किया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते थे ये सब उनके साथ करना, फिर भी समय के अनुसार उनको ये सब करना पड़ा। ऐसे मस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेशन में है, अपने आप पर पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा फेमिनिन के साथ किया, लेकिन वो अपने बातों से या मुँह से ये सब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ रूल्स और कुछ नियमों के अधीन है इस जर्नी में। लेकिन उन्होंने अपने हार्ट को ऐसे थाम के रखा है, अपने सांसों को ऐसे थाम के रखा है, जैसे मानो अभी भी उनको बस अपनी फेमिनिन का ही इंतज़ार है। लेकिन फिर भी वो उन बातों को अपनी फेमिनिन के सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही फेमिनिन से अलग हो पा रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को हर्ट करके अपने आप में ही नाराज़ होकर बैठी हुई है और ये भी एक तरह की इनबैलेंस की ही स्टेज है, जिसको इन दोनों को भी बैलेंस करना ही होगा, तभी ये उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां उन्हें यूनिवर्स, जहां उन्हें डिवाइन लाकर रियूनाइटेड कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सभी कलेक्टिव एनर्जी है। जिन लोगों को रिजोनेट करे वो पॉजिटिविटी में रहे और जिन्हें रिजोनेट ना करे वो नेगेटिविटी में ना रहे, क्योंकि आप इस जर्नी में जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ये जर्नी आपके लिए आसान होगी। मिलना या मिलवाना ये सब डिवाइन के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है। जब उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है और जब उन्होंने ही आपको ये जर्नी दी है, तो ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर से आपको रियूनाइटेड कर दे। तो इसीलिए अपने आप में बैलेंस रखिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए, ताकि यूनिवर्स भी, डिवाइन भी आपको वो अवार्ड प्रदान करे जिस अवार्ड के आप हकदार हो। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी को पॉजिटिव रहना है और अपने आप को सरेंडर और एक्सेप्टेंस की स्टेज में रखना है, क्योंकि ये जर्नी आपको डिवाइन ने दी है, यूनिवर्स की तरफ से मिली है और डिवाइन कभी भी आपको बीज भंवर में लाकर अकेला नहीं छोड़ेंगे। भले ही आपके ट्विन फ्लेम फिलहाल आपका साथ ना दे रहे हो, लेकिन डिवाइन और यूनिवर्स, एंजल्स आप सभी के साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये जर्नी भी उन्होंने ही आपको दी है, तो वही आपको इस जर्नी में फिर से रियूनाइटेड कर देंगे। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।